अस्सलाम वालेकुम, आई मेरा असलम एंड वेलकम टू लर्न नर्स अकेडमी। आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है और हमारा टॉपिक है जॉब सेटिस्फेक्शन। जैसे कि जॉब सेटिस्फेक्शन के नाम से ही पता चल रहा है, जब आप अपनी जॉब से सेटिस्फाई होते हो, आपको वो काम करके अच्छा लगता है, आप रिलैक्स फील करते हो, आपको इंटरेस्टिंग लगता है अपने टास्क को परफॉर्म करना, आप टायरिंग या आपको खुद को जो है वो बॉदर नहीं करना पड़ता उन चीज़ों को करने के लिए, बल्कि आप रिलैक्सिंग प्लेजरेबल फील करते हो उन चीज़ों को करते हुए, ठीक है। और ये वैरायटी ऑफ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इसमें आपका अपने सुपरवाइज़र के साथ रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आपका फ़िज़िकल एनवायरनमेंट कैसा है जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो, आपकी डिग्री ऑफ फुलफिलमेंट क्या है, ठीक है। ये जो है वो ये तमाम फैक्टर्स मिलकर जो है वो आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन डिफाइन करते हैं। जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत सेंट्रल वेरिएबल है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में, ठीक है। हम बहुत सारी जगहों पे जॉब सेटिस्फेक्शन को डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे भी देखा जाता है, जो कि क्वालिटी ऑफ वर्किंग कंडीशन के साथ जो है वो वेरी करती है, ठीक है। उसके अलावा आप जॉब सेटिस्फेक्शन को इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी ट्रीट किया जाता है, जो डिटरमिन करता है एब्सेंटिज्म को, फ्लक्चुएशन को, परफॉर्मेंस को, आप टर्न ओवर को जो है वो ये जो है वो डिफाइन करता है या एग्जाम डिटरमिन करता है। उसके बाद आए थे जॉब सेटिस्फेक्शन किस किस चीज़ से रिलेट करती है, ये आपके वर्क से रिलेट करती है, आपका काम किस किस्म का है, आपको वहाँ पे कितनी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, आपको एबिलिटी आप में कितनी है कि आप अपनी लर्निंग को इन्हांस कर सकें अपने काम के थ्रू, ठीक है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हो, इस चीज़ों से आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन रिलेट करती है। आपकी पे से, ठीक है, आपकी फाइनेंशियल इंसेंटिव डायरेक्टली रिलेट करते हैं आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन से, ठीक है। अगर आप जो काम टास्क परफॉर्म कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रमोशन, ऑब्वियसली आप जो काम कर रहे हो उसके लिए आपको रिकग्निशन मिल रही है, आपको एक्सेल किया जा रहा है, ठीक है, आपको हायर ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स पर लेकर दिया जा रहा है, आपको एडवांस अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, तो वो आपकी सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज़ ही करती है। नेचर ऑफ सुपरविजन प्रोवाइडेड, आपके सुपरवाइजर के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, वो हेल्पफुल हैं, एक फ्रेंडली मैनर में आपको लेकर चलते हैं, जहाँ पे आपकी बाउंड्रीज़ को भी रिस्पेक्ट किया जाता है, आपको एज ए इंडिविजुअल एम्प्लॉय भी आपको रिस्पेक्ट दी जाती है, आपके काम को वैल्यूएबल कंसीडर किया जाता है, ठीक है, आपको अप्रिशिएट किया जाता है, तो उस चीज़ से भी आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन रिलेट करती है। नेचर ऑफ कोवर्कर, आपके कोवर्कर्स कैसे हैं, ठीक है, आपका उनके साथ रिलेशनशिप कैसा है, कोऑपरेटिव हैं, सपोर्टिव हैं, ठीक है, हेल्दी इन्वायरमेंट, ऑब्वियसली आपके कोवर्कर जैसे होंगे आपका इन्वायरमेंट आपके कोवर्कर्स ही शेप अप करेंगे। अच्छा इन्वायरमेंट होगा, अच्छे कोवर्कर्स होंगे, आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन हायर होगी। उसके बाद आता है हम जॉब सेटिस्फेक्शन को मेजर कैसे कर सकते हैं, ये तो हमने देख लिया कि क्या क्या चीज़ें ऐड अप करती हैं, लेकिन अब इसको हम मेजर कैसे कर सकते हैं। इसके लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, रेटिंग स्केल्स हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ क्रिटिकल इंसिडेंट्स है, ठीक है, इंटरव्यूज़ हैं, एक्शन टेंडेंसीज हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रेटिंग स्केल्स, मोस्ट कॉमन मेथड है डेटा कलेक्शन का रेटिंग स्केल्स, और स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म भी होता है, इसमें हम लिकर्ट स्केल भी यूज़ कर सकते हैं, रेंजेस लिकर्ट के नाम पे दिया गया। लिकर्ट स्केल्स में 5, 7 और 9 रिस्पॉन्सेज होते हैं किसी भी क्वेश्चन या स्टेटमेंट पे। इसमें हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोरिंग होती हैं, जो कि एक्सट्रीम डिग्रीज फाइदर एग्रीमेंट और डिग्री डिसएग्रीमेंट को शो करती हैं। समटाइम इसमें जो है वो इवन नंबर भी रखे जाते हैं, जिसमें सिर्फ आपको डायरेक्शन मिल जाती है पॉजिटिव और नेगेटिव की, और जो सेंट्रल या मिडिल स्कोर होता है वो न्यूट्रैलिटी को शो करता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ क्रिटिकल इंसिडेंट ऑन जॉब्स आ जाती है, इसमें आप उन इवेंट्स को फीचर करते हो जो इफेक्ट करते हैं आपकी एफर्ट्स को, अपने पर्सनल और सिस्टम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, ठीक है। आप उन इवेंट्स को आइडेंटिफाई करते हो जिनका पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है इंडिविजुअल पे और सिस्टम पे। जॉन फ्लैनेगन ने डेवलप किया था क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक, उसमें उन बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई किया था जो आपके सक्सेस और फेलियर में एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन की में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक सिचुएशंस में। क्रिटिकल इंसिडेंट टिपिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन लोगों के साथ मीटिंग्स कैसी रही हैं, ठीक है, इसमें आपको नॉलेज स्किल्स और एबिलिटी को भी जो है शो करना पड़ता है। इसमें मींस आप जो बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स होते हैं ना, क्रिटिकल इंसिडेंट्स मीन जो कि पूरा वे ऑफ योर
करियर ही चेंज कर लेते हैं, या आपका ऑर्गेनाइजेशनल में स्टे करना या एम्प्लॉय का अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ बिलोंग करना चेंज कर देते हैं। तो उन इंसिडेंट को जो है वो इसमें आप जो है वो शेयर करते हो। उसके बाद इंटरव्यूज़ आ जाते हैं, आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ इंटरव्यू करो और उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन मैयर करने के लिए प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट को हायर करो, ताकि वो जो है वो इन इंटरव्यूज़ को जो है वो रैंक कर सकें या उनकी जो है वो असेसमेंट कर सकें। उसके बाद एक्शन टेंडेंसीज या इनिशिएटिव्स आ जाती हैं, आप सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़ को टेंडेंसीज होती हैं कि वो फेवरेबल मैनर में जो है वो काम करते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी फेवरेबल होता है, उनके लिए भी फेवरेबल होता है। और ये टेंडेंसी जो है वो टेस्ट ऑफ एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन होती है आप उसकी अपनी जॉब के साथ। ठीक है, आउटकम्स क्या होते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन के? ऑब्वियसली जॉब सेटिस्फेक्शन लाइफ सेटिस्फेक्शन से रिलेट करती है, ये रिकॉर्डेशन रेसिप्रोकल है। जो लाइफ में सेटिस्फाई होते हैं वो जॉब में सेटिस्फाई होते हैं, जो सेटिस्फाई अपने जॉब के साथ होते हैं ऑब्वियसली वो लाइफ के साथ भी सेटिस्फाई होते हैं। हाई प्रोडक्टिविटी हो जाती है, ठीक है, परफॉर्मेंस हाई हो जाती है। जो लोग डिससेटिस्फाइड होते हैं ऑब्वियसली वो अपने काम को फिर मिस करते हैं, अपनी ऑब्वियसली वो फिर अवॉइड करते हैं इन चीज़ों को, एक्सट्रीनियस सिचुएशंस को जो है वो जस्टिफाइबल रीजंस देते हैं अपने काम को मिस करने के लिए। ठीक है, उसके बाद एक्सट्रीनिज्म के साथ जो है वो ये बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। जॉब सेटिस्फेक्शन इज ऑल्सो नेगेटिवली कोरिलेटेड टू विथ टर्नओवर। जॉब सेटिस्फेक्शन हाई होगी टर्नओवर लो होगा, जॉब सेटिस्फेक्शन लो होगी टर्नओवर हाई होगा। इसमें बेटर मेंटल फिजिकल हेल्थ के लिए भी जो है वो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर तरह से ओवरऑल जो है वो ये अफेक्ट कर रही होती है आपकी लाइफ को। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट आ जाती है, एम्प्लॉय साइकोलॉजिकली कितना अटैच है अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ठीक है, इसको हम कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन के साथ। इसको हम डिफाइन करते हैं स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू रिमेन इन द ऑर्गेनाइजेशन। आप कितना, आपकी विश कितनी स्ट्रॉन्ग है कि आप इसी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो काम करो, आप कितना वर्क हार्ड करना चाहते हो, ऑर्गेनाइजेशनल बिलीव्स और नॉर्म्स को कितना एक्सेप्ट करते हो। ऑर्गेनाइजेशनल साइंटिस्ट ने डेवलप किए हैं बहुत सारे डेफिनेशन ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट की, और स्किल्स भी डेवलप किए हैं। मेयर और एलेंस का मॉडल ऑफ कमिटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, उसने डेवलप किया है इंटेग्रेट न्यूमरस डेफिनेशन कमिटमेंट की। मेयर और एलेंस ने जो है वो 3 कंपोनेंट दिए थे मॉडल ऑफ कमिटमेंट के। ठीक है, उन्होंने कहा था 3 माइंडसेट्स होते हैं जो करेक्टराइज करते हैं एम्प्लॉय की कमिटमेंट को ऑर्गेनाइजेशन के साथ। सबसे पहले इफेक्टिव कमिटमेंट आता है। इफेक्टिव कमिटमेंट को हम डिफाइन करते हैं एम्प्लॉय की इमोशनल अटैचमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ठीक है, वो कितना स्ट्रांगली आइडेंटिफाई करता है अपनी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ, और कितनी स्ट्रांगली डिज़ायर करता है कि उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा रहना है। ठीक है, ये एम्प्लॉय की कमिटमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन की, बिकॉज ही और शी वॉन्ट्स टू। उसके बाद कॉन्टीन्यूअस कमिटमेंट आ जाती है, जिसमें इंडिविजुअल कमिट होता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, क्योंकि उसे हाई कॉस्ट ऑफ, उसे लगता है कि उसे इस ऑर्गेनाइजेशनल को छोड़ने की जो है ना बहुत ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ेगी। उसमें इकोनॉमिक लॉसेस भी आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कुछ आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन छोड़ हैं जो कि पेंशन एक्रोल देती है, सोशल कॉस्ट आ सकती हैं, आपकी फ्रेंडशिप टाइज ख़त्म हो जाएंगे अपने कोवर्कर्स के साथ। ठीक है, इसलिए फिर जो है ना वो एम्प्लॉय रिमेन अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ही और शी हैज़ टू। अब ऊपर वाले में कहा था वॉन्ट्स टू और नीचे वाले में हैज़ टू, यहाँ पे जो वो फ़र्क पता चल रहा है इन दो वर्ड से ही। वह नॉर्मेटिव कमिटमेंट आ जाती है, जिसमें इंडिविजुअल कमिटेड होता है ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट रहता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ फीलिंग्स ऑफ ऑब्लिगेशन। ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉय को लगता है कि अब ऑर्गेनाइजेशन ने उस पर इन्वेस्ट किया है उसकी ट्रेनिंग के लिए, उसको स्किल्स लर्न करवाने के लिए, तो उसे लगता है कि उसका ऑब्लिगेशन है कि वो फिर एफर्ट्स करे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और स्टे करे ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि वो रीपे कर सके उस डेट को। इट मे ऑल्सो रिफ्लेक्ट एन इंटरनलाइज डॉम ना, कि आप वो सोशलाइजेशन का उसका प्रोसेस ऐसा था कि उसको लॉयल रहना ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इसलिए एम्प्लॉय स्टे करता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ बिकॉज ही और शी ऑट टू। मेयर एलन ने कंपनी कमिटमेंट के लिए थे वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ठीक है, अब साइमल्टेनियसली वो एक बंदा कमिटेड हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ इफेक्टिव नॉर्मेटिव और कॉन्टीन्यूस मैनर में। ठीक है, वो वेरी करता है लेवल ऑफ इंटेंसिटी के साथ। और इन्होंने कहा था कि
मेयर और फिर हर्ष को बीच ने आर्ग्यू किया था कि एक कमिटमेंट प्रोफाइल होता है ना, वो रिफ्लेक्ट करता है हाई और लो लेवल्स ऑफ ऑल थ्री ऑफ दीज माइंड सेट, और डिफरेंट प्रोफाइल्स आर डिफरेंट इफेक्ट्स, यानी कि तीनों लेवल्स की कमिटमेंट एग्जिस्ट करती हैं, और जो कमिटमेंट प्रोफाइल होता है वो फिर बताता है कि कौन सा कमिटमेंट लेवल कितना स्ट्रांग है। फिर इन्होंने टर्म्स यूज़ की थी इफेक्टिव और कॉन्टीन्यूस कमिटमेंट की, डिस्टिंग्विश किया था व्यूज़ ऑफ कमिटमेंट जो कि पोर्टर और उसके एसोसिएट्स ने दिया था, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन विद एन इन्वॉल्वमेंट इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने जो है वो बताया था, डिस्क्राइब किया था कमिटमेंट को। उसके बाद इन्हांस हम किस तरह से कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट को, आप हायर करें राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, आप क्लैरिफाई कर दें ऑर्गेनाइजेशनल मिशन को, ठीक है, ताकि क्लैश ना आए एम्प्लॉय के पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स में, जस्टिस नहीं ऑर्गेनाइजेशन में, एक सेंस ऑफ फेयर प्ले हो ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, जो 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 डिजर्विंग है उसे प्रमोशन मिलेंगे, जो अच्छा काम करेगा उसे इंसेंटिव्स मिलेंगे, सेंस ऑफ कम्युनिटी बिल्डअप करें, इन्वॉल्व करें डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, डिसेंट्रलाइज कर दें डिसीजन मेकिंग को, सपोर्ट करें एम्प्लॉय की डिवेलपमेंट को, डिवेलप करें करियर पाथ्स अपने एम्प्लॉयज़ के। इन तमाम चीज़ों के ज़रिए हम जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट को अपने एम्प्लॉयज़ में इंक्रीज़ कर सकते हैं। हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अस्सलाम वालेकुम।